नमस्कार। आज हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले रिसर्च की डेफिनेशन और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो रिसर्च की डेफिनेशन से ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। पहला है इसका ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, इसका एक ऑर्डर होना चाहिए और ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए। दूसरा है ये साइंटिफिक प्रोसेस होती है। रिसर्च साइंटिफिक बेसिस पे करते हैं हम। तीसरा है एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है। इसको हम अपने सेंसेस से देख के सामने रिसर्च की जाती है और इसमें पीछे लॉजिक होना चाहिए हर प्रोसेस। फोर्थ है इसका बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज़। रिसर्च किन टॉपिक्स पे होनी चाहिए, जो करंट प्रोफेशनल इश्यूज चल रहे हैं उन पे होनी चाहिए, जिससे कि उनके हम कुछ अच्छे परिणाम ला सकें उनमें। फिफ्थ है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मीन्स होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सिक्स है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। इसमें जो हम मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो रिसर्च के हिसाब से हमें यूज़ करनी चाहिए। सेवन्थ है केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जो भी हम रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए और रिपोर्टेड होनी चाहिए। एट्थ है रिफाइन एंड एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज। और रिसर्च इस तरह से होनी चाहिए कि वो प्रोफेशनल नॉलेज को रिफाइन करे और उसको एक्सपेंड करे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में उसको लेके जाए। नाइन्थ है यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स। जो भी कलेक्शन टूल्स हैं वो वैलिड होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। या क्वेश्चनेयर यूज़ कर रहे हैं हम, इंटरव्यू यूज़ कर रहे हैं हम, जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड और रिलायबल होने चाहिए। टेंथ है एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड। एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड होने चाहिए उनको, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ग्यारहवा है कंट्रोल्ड। रिसर्च कंट्रोल्ड होनी चाहिए कि उसमें हमें कौन से एज ग्रुप की रिसर्च में यूज़ करने हैं हमें, और किन परिस्थितियों में कौन सी सेटिंग में करनी है, ये सब कंट्रोल्ड होना चाहिए। बारहवा है एनालिटिकल। जो रिसर्च के डाटा होते हैं उनका हम एनालिसिस कर सकें, उसका रिसर्च की जो भी वो हो रही हैं गतिविधियाँ उनका हम एनालिसिस कर सकें, तो ये एनालिटिकल होनी चाहिए। 13 है अनबायस्ड होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए इसमें। एंड 14th है जनरलाइजेशन, उसका रिसर्च का हम जनरलाइजेशन कर सकें। तो इस तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च थे। ये भी क्वेश्चन उसके साथ ही आता है, डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो एक पूरा क्वेश्चन बनता है और इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हम ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।